चल पा रहा है। मेरी फॉर्च्यूनर है, मेरी भी खड़ी है, उसको ही छुड़वा सकते हैं। सिनेमा के लिए हम जीते हैं भाई। मैं मुंबई से मंगवा लूँ क्या, कल तक पहुँच जाएगी मेरी? आप अपना नया कर लीजिए यार। और शायद से कांच के बजाय इसका बोनेट, इसका इंजन, इसका टायर, ऊपर लगे हुए दो फॉग लैंप्स, कुछ भी हो सकता है। हीरो इस कदर आक्रोश में है कि उनके आक्रोश के चलते इस गाड़ी को तहस नहस करने का पूरा उन्होंने ठान लिया है। और इस गाड़ी को तहस नहस करने के लिए हमारे पदम भैया है, ये पदम भैया की गाड़ी है, पदम सिंह जी की। और पदम भैया बहुत ही खुशी खुशी इस गाड़ी का बलिदान, इस गाड़ी का बलिदान दे रहे हैं, गाड़ी की आहुति दे रहे हैं। जैसे कि एकदम डायरेक्टर, क्या आप चाहते क्या? खाली शीशा फोड़ने का बात था, अब वो बोल रहे हैं कि बोनट तोड़ूंगा, आगे का लाइट तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा, तो देना नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल गाड़ी है, क्रैप नहीं है। देखिए मैंने बोला है हीरो जी को कि केवल ये करिए, लेकिन हीरो बोल रहे हैं कि फील लाने के लिए शायद से मेरे को बोनेट पे मारना पड़े, हेडलैम्प पे मारना पड़े। ना ये हम नहीं जानते हैं कि मैं एक्शन बोलने के बाद में मेरे वश में नहीं, मेरे वश में नहीं हीरो। अरे भैया गाड़ी तो आपकी है ना। पदम भैया का रिएक्शन जानते हैं जरा, क्या है पदम भैया? आपकी है ना गाड़ी में बैठे, गाड़ी की आत्मा पर देखो, ये फिल्म का फिल्म की कहानी है, फिल्म की तरह रही, लेकिन किसी की आत्मा पर चोट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसकी आत्मा है ये? अगर बोनट पे होगा, ये होगा, सीन का सिचुएशन ठीक है, लेकिन सीन का सिचुएशन कंट्रोल होता है। और फिल्म यही होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य जो होता है वो फिल्म होता है। देखिए अगर एक बार में फुटाई गई तो ठीक है, वरना दूसरी बार में फुटाने के लिए दूसरी फॉर्च्यूनर खड़ी है भैया। वो यश चोपड़ा या करण जौहर समझे हुए? नहीं नहीं, छोटा प्रोड्यूसर हूं। नहीं सर, आज भोजपुरी के आप ही यश चोपड़ा भैया। ये तो बात सिद्ध हो गई, ऐसा बोल बोल के केवल बात बनाया जा रहा है। जौहर, यश चोपड़ा, बालाजी, फॉक्स, मेरी ऐसी की तैसी की जा रही है। डीओपी साहब को बुलाओ, शायद ही ऐसा, शायद ही ऐसी कोई फिल्म बनी हो जिसमें प्रोड्यूसर ने खुद ने अपने फॉर्च्यूनर की आहुति या बलिदान एक सीन के लिए देना उचित समझा। बलि का शुक्रगुजार हूँ कि इतने सीन को लाइव बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए, इसके लिए मैं प्रोड्यूसर से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्लास्ट कर देते ना गाड़ी। सर रीटेक वाली गाड़ी के मालिक से बात करें। जी हाँ, आइए ना, रीटेक वाली गाड़ी के मालिक से बात करें एक बार, आइए ना। हीरो का आक्रोश अगर इस गाड़ी से नहीं भरा, हीरो ने भी ये कहा है, हमारे जो सुपरस्टार केसरी लाल यादव सही में फोड़ फाड़ने के, अगर आपको इस फॉर्च्यूनर से पराजित शॉट नहीं मिल पा रहा है तो मेरी फॉर्च्यूनर, मेरी भी खड़ी है, उसको ही फोड़वा सकते हैं। सिनेमा के लिए हम जीते हैं भाई। मैं मुंबई से मंगवा लूँ क्या, कल तक पहुँच जाएगी मेरी? आप अपना नया कर लीजिए। और इतना आहुति, इतना बलिदान, इतना एक सीन के लिए प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है, नहीं बुलाते जैसी जैसे उसमें बीजेपी का झंडा लगा होगा। इधर जय श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम, राम हमारे जीवन है, हमारे आनंद के साथ ही हमारा जीवन। यदुवंशी है, ज़्यादा वैसे भी जातिवाद के ऊपर बन रही है, इसको मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए सिंपल छोटे से एक इंटरव्यू में भी आपको कहीं ना कहीं जातिवाद नजर आ रहा है। मोबाइल बंद कीजिए, इस कदर हम लोग के नस नस में रग रग में जातिवाद, फिल्म घुस गई है, फिल्म घुस गई है। हम लोग हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं, साथ में बोलते हैं, हरे राम हरे कृष्ण साथ में बोलते हैं, साथ में बोलते हैं हरे राम। हम बोलते हैं शिव है कड़कड़ में विद्वान, और क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या क्या बात है, बोले हर हर महादेव। छोटा मोटा प्रोड्यूसर हूँ, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, समझे? गाड़ी टूट रही है, पैसा मेरे को देना है। हर महादेव, हर महादेव। गाड़ी टूट गई आपकी सर? फिल्म की प्रमोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिल्म की बेहतरी के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो प्रदीप शर्मा जी हैं, गाड़ी टूटने पर विश्वास नहीं, फिल्म की मेकिंग पर ध्यान देते हैं। और ये आपने जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देख ही लिया कि, और इसके बाद जो रात में एक सीक्वेंस जो होने वाला है उसके लिए भी उन्होंने इतनी बड़ी हवेली का चुनाव किया है।
तो ये इसलिए इस पर आधारित है, ये हमारे प्रदीप शर्मा जी का सिर्फ उनका सोचना है कि फिल्म की दृष्टि के लिए मैं कुछ भी कर सकते करने का तैयार। सर जब कांच पे डंडा पड़ रहा था तो कहीं आपके दिल पे भी लग रहा था? तौर पर दिल पे डंडा पड़ रहा था, लेकिन ये डंडा जो है किसी चीज़ को, किसी सशक्त कैरेक्टर को अगर एस्टेब्लिश करता है, उसको किसी ऊंचाई तक ले जाता है, तो उसके लिए कांच तो दोबारा आ सकता है लेकिन फिल्म दोबारा नहीं बन सकती, वो इमोशन दोबारा नहीं आ सकता। चोट तो काफी लगी होगी। इसके लिए नहीं मिल गया, अच्छा मिल गया, सुखद अनुभव। ओके आइए, कहीं एक कुणाल भैया आइए सामने। किसी का टेस्ट, किसी का वेस्ट, किसी का टेस्ट भी बनता है, वो वेस्ट नहीं था, वो टेस्ट था। फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, फिल्म के कैरेक्टर की ग्रोथ थी कि किस कैरेक्टर को, किस अंदर का ज्वालामुखी जब जिसके अंदर धंधक रहा है तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उसके सामने वो गाड़ी की महत्वता नहीं है, अंदर भी नहीं है, गाड़ी की महत्वता नहीं है, उसके उस कैरेक्टर की महत्वता है। आज वो कैरेक्टर खुद ब खुद इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुका है। सर चोट लगी तो दर्द भी हुई होगी? अरे दर्द इधर पूछो यार, तुम दर्द भैया से मत पूछो, दर्द दिख नहीं रहा है चेहरे पर, काम जरूरी था करना पड़ गया, लेकिन दर्द तो हुआ ही है, कलेजा तो फटा ही है। ओरिजिनल गाड़ी है, कोई ऐसा नहीं क्रैप से उठा के लाके थोड़वा दिए, ओरिजिनल गाड़ी इनका गाड़ी है। एक गाड़ी का जो शीशा होता है वो 36,000 रुपए का। मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी परवाह ना की होगी, कहा नहीं, अगर किसी कैरेक्टर को एस्टेब्लिश मिलता है और भैया की भैया फिल्म के लिए उस समय ये नहीं देखते हैं क्या इसमें कोई दो मत नहीं, वो तो है प्रोफेसर के चेहरे से काफी दर्द दिख रहा है, दर्द है लेकिन दर्द तो रहेगा ही, ये खुशी भी तो है, इतना बड़ा गाड़ी कैरेक्टर उठा सकता है, क्रेप गाड़ी थोड़े सिर्फ बाबा मोशन पिक्चर्स ही कर सकते हैं। हाँ देखो ना, शीशा भी ठीक से नहीं टूटा, इतना मजबूत शीशा होता है फॉर्च्यूनर। हेलो सोचो।